वाकई आप लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं कि जिस महाविद्यालय का प्रिंसिपल यानी कि सर्वे सर्वा यानी कि खेवनहार एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो, उस गहराई तक समझने वाला, उस गहराई तक छूने वाला आपका मित्र भी हो सकता है, आपके पिताजी हो सकते हैं, और मैं कहता हूं आपके बेस्ट बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। मैं वाकई मैं बहुत शिद्दत से जानता हूं, बहुत समय से इनको जानता हूं। जवर साहब जैसा आश्रय आपको, जो ऐसी अम्ब्रेला अगर आपको मिली हुई है, सेठ जी संचेती जी जैसा भामाशाह आपको अगर इस कॉलेज के लिए मिला हुआ है, इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस डांसर्स आपके स्कूल में है, इतने बेस्ट स्पीकर्स आपके स्कूल में है, इतने बेस्ट लेक्चरर्स आपके स्कूल में है, अगर नहीं है इसके बाद में भी अगर सक्सेस नहीं है तो सिर्फ आप लोगों में कहीं ना कहीं कोई कमी है, शिद्दत में कमी है, जज्बे में कमी है, काम में कमी है, या फिर अगर है तो लापरवाही है। बहुत खरी खरी और बहुत कड़ी कड़ी बात है। मैं आयुर्वेद से वावस्ता हूं, वैद्य हूं, मैं आपके आसिन तहसील का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का गौरव हूं। मैं सिर्फ आसिन तहसील का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का गौरव हूं। आज की तारीख में मेरे नवग्रह आश्रम पर 341 प्रकार के औषधीय पौधे जीवित हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कलेक्शन है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आयुष मंत्रालय का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेडिसिन प्लांट बोर्ड का रिसोर्स पर्सन हूं, साइंटिस्ट हूं। मित्रों में बहुत कुछ हूं, क्यों वाई मैं तो एक हंसराज जाट हूं, मैं तो मोतीबोर का खेड़ा जैसे गांव का रहने वाला हूं, मैंने तो एक किसान के घर में जन्म लिया, मगर मैं हूं सिर्फ इस वजह से हूं कि मेरी एक गजल में आपको पेश करना चाहूंगा ओजा साहब, मैं इस वजह से हूं। और उसके पहले बिल्कुल शिद्दत के साथ हूं, इतना डूबो और एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि अगर डूबना है तो इतना सुकून से डूबो यारो, घर डूबना है तो इतना सुकून से डूबो यारो कि पास की लहरों को भी पता न चले। ढोल पीट के क्या कर लोगे, ढोल पीट के सिर्फ लोगों के कान खराब कर लोगे, रात की नींद खराब कर लोगे, और ज्यादा से ज्यादा अपना नाम किसी उस लिस्ट में जुड़वा लोगे जिसमें लोगों ने कहा कि इन्होंने ढोल पीटा। नहीं मित्रों, गजल पेश कर रहा हूं कि नित नित का ये आना जाना, नित नित का ये आना जाना मेरे बस की बात नहीं। और ये मैंने लिखी थी साहब आज के 30 साल पहले। पता नहीं जिंदगी कहां लेके जाएगी, इंसान का कुछ पता नहीं होता, मगर अहम जरूर होता है, इशारे जरूर मिलते हैं, इशारे जरूर मिलते हैं इंसान को। नित नित का ये आना जाना मेरे बस की बात नहीं, और दरबानों के रोग उठाना मेरे बस की बात नहीं। ये आज के जितने पॉलिटिशियन है, ये दरबान है, ये अपने नौकर है, ये जितने राजनीतिक है, मगर ये मालिक बन बैठे हैं अपने। और आध्यात्म के क्षेत्र में अगर बात करो तो क्या है? मैं भी दरबान हूं, आप भी दरबान है, तो कोई और है कि नित नित का ये आना जाना मेरे बस की बात नहीं, दरबानों के रोग उठाना मेरे बस की बात नहीं। मैं अच्छा हूं या नुगरा हूं, मेवाड़ी शब्द नुगरा, कि मैं अच्छा हूं या नुगरा हूं दुनिया खुद पहचानेगी, मैं अच्छा हूं या नुगरा हूं दुनिया खुद पहचानेगी, और अपनी गलती आप छुपाना मेरे बस की बात नहीं, अपनी गलती आप छुपाना मेरे बस की बात नहीं। इश्क मोहब्बत क्या होती है, इश्क मोहब्बत क्या होती है, क्या समझाऊं वाहिद को। वाहिद उर्दू अल्फाज है कि जो जानते हुए भी नहीं जाने, मतलब जिसे मालूम है कि मीनिंग क्या, बट वो यूं ही चिंतिला। इश्क मोहब्बत क्या होती है, क्या समझाऊं वाहिद को, और भैंस के आगे बीन बजाना मेरे बस की बात है। नित नित का ये आना जाना मेरे बस की बात नहीं, दरबानों के रोग उठाना मेरे बस की बात नहीं, मैं अच्छा हूं या नुगरा हूं दुनिया खुद पहचानेगी, अपनी गलती आप छुपाना मेरे बस की बात नहीं। और सब काबिले गौर शेर है जिसके लिए ये गजल लिखी गई है कि तू दाता है महाप्रभु, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक ही साधना कर लो कि तू दाता है तू ही देगा, तू दाता है तू ही देगा, तेरे दर पे बैठा हूं, तू दाता है तू ही देगा, तेरे दर पे बैठा हूं, और दर
सरदर जाके शीश झुकाना मेरे बस की बात, और दरदर जाके शीश झुकाना, मैं तू दाता है तू ही देगा, तेरे दर पे बैठा है, तू दाता है तू ही देगा, तेरे दर पे बैठा हूँ, और दरदर जाके शीश झुकाना मेरे बस की बात नहीं। मित्रों, आयुर्वेद की हल्की सी बात मैं जरूर आप लोगों से करना चाहूंगा। आयुर्वेद कहते हैं आपके दिमाग में आता है चूर्ण होगा, चटनी होगी, अचार होगा, मुरब्बा होगा, रामदेव जी होंगे, ये होगा वो। मित्रों, रामदेव जी इस हिंदुस्तान का नहीं बल्कि इस पूरे विश्व का, इस पूरे विश्व का, इस ग्लोब का, इस दुनिया का एक चमकता सितारा। उसने जो काम किया हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने के लिए, नहीं कर सकता आपका कोई पॉलिटिशियन। आप चाहे किसी भी राजनीतिक दल से वास्ता रखते हो, परंतु उस इंसान ने काम किया। मित्रों, मैंने आपके जो शंकरन सर है इनसे प्रॉमिस किया था, चलो देर आए दुरुस्त आए, मैंने इनसे ये प्रॉमिस किया कि मैं इस रथ को, इस यात्रा को, इस जुलूस को वहां तक पहुंचाना चाहता हूं जहां तक मेरा हर स्टूडेंट, मेरा हर मित्र आयुर्वेद को समझे और आयुर्वेद को जाने। मेरे आश्रम पर ओझा साहब, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप उस गांव में रहते हैं, मांडल जैसे गांव में। मैं खासतौर से मेरी महिला मित्रों से या मेरी बेटियों से या जो भी टीचर्स हैं उनको कहना चाहता हूं, मांडल एक ऐसा गौरवशाली गांव है कि जिसमें आपकी पुरुषों की सभी बीमारियों का इलाज पुरुष कर सकता है, कोई समस्या नहीं, परंतु लेडीज में, महिलाओं में श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, रक्त अल्पता, ये इत्यादि इतनी खतरनाक बीमारियां कि आप निचुड़ जाती है। मैं खरी खरी कह रहा हूं, मैं अच्छी अच्छी बात कह रहा हूं, आपके फायदे की बात कर रहा हूं। आप कह नहीं सकते, अपनी माँ को नहीं शेयर कर सकते, आप अपने फ्रेंड को शेयर नहीं कर सकती, आप मोहल्ले में उसके लिए मदीना बांधो रंगरेज जैसी लड़की दंड है उसके माँ बाप को। मैं यहीं से चरण चूमता हूं उसके कि वो हर रविवार को मेरे आश्रम पे आती है, बस में बैठ के महिलाएं रोगियों को देखती है, और वो पिछले 2 साल से इतना अथक काम कर रही है जिसकी कोई सीमा नहीं। आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उसका नाम गया, वो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, उसको 40,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, उसको क्या परवाह, परंतु नहीं, उसके मन में कहीं टीस है, वो कहीं मांडल का असर है, उस पानी का असर है, तासीर है कहीं ना कहीं। मित्रों, मेरे आश्रम पे मैंने भी एक गुरुकुल चला रखा है, वहां सीनियर सेकेंडरी के, ग्रेजुएशन लेवल के और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लड़के जो पढ़ रहे हैं फॉर्मल एजुकेशन में, वो मेरे आश्रम आते हैं। हर शनिवार पूरा दिन थ्योरी, रविवार पूरा दिन प्रैक्टिकल, और ओझा साहब आनंद जब आता है, जब वो बच्चे शाम को घर जाते हैं, तो मैं मेरी तरफ से उनको 250 रुपए पॉकेट मनी देके भेजता। भाई आयुर्वेद तो कौन जिंदा रखेगा, किसकी जिम्मेदारी है? एक बहुत खरी खरी बात कहूं, खास तौर से मैं मातृशक्ति को कहना चाहता हूं, आप सबकी इच्छा है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, आप सबकी इच्छा है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, परंतु आपकी ये इच्छा भी है कि वो पड़ोसी के घर पैदा होना चाहिए ताकि रोना कूदना उसके घरों। नहीं, इस संस्कृति से, इस लॉजिक से, इस आदत से, इस हैबिट से बाहर निकलना होगा मेरे दोस्तों। और आप ये जितना पूरा युवा वर्ग है, आप लोगों के कंधों पे है इस बात की जिम्मेदारी। मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं, मैं जज्बाती व्यक्ति नहीं हूं, मैं धरातल पे काम करने वाला व्यक्ति हूं। मैं बहुत अच्छे शब्दों में आपको निमंत्रित कर रहा हूं सब लोगों को कि नवग्रह आश्रम मोतीबोर का खेड़ा जो है, ब्राह्मणों भी से रेडी, वहां से मात्र 8 किलोमीटर कालियास, और वहां से मात्र 3 किलोमीटर पे नवग्रह आश्रम राइला वाले रोड पे। आप मित्रों में, बहनों, आपको खुले दिल से स्वागत कर रहा हूं मैं आपका। आए आश्रम, सीखे इस ज्ञान को, इस विद्या को सीखे, ये अपना गौरव है। और मैं मेवाड़ी में जो पुराने जो लोग हैं उनको एक मेवाड़ी में एक बात बताना चाहता हूं कि आप कहीं कि तो जो हीरा मोती हा, जो माणक हा, जो हीरा मोती हा, मैंने तो गोबड़ में भर भर आप हुटा ताड़ गाड़िया, और ये जो कांच के टुकड़े इनको लेके घूम रहे हैं अपन, नहीं वापस उन हीरे मोतियों को, उन गौरवान्वित जो क्षण थे अपने आयुर्वेद, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं सर, क्या आनंद है उस चीज में। आप जब उसके करीब जाएंगे तो आप, मैं अणमोकार मंत्र की बुराई कर सकता हूं,
परंतु मैं अगर एक बार भी नमोकार मंत्र का अगर उच्चारण कहीं अंदर डूब के मैंने कर लिया, नमो हिंदाणु नमो आलण, मैंने कहीं समझ लिया तो मैं कभी बुराई नहीं कर सकता। वही बात आयुर्वेद की, मैं अगर एक बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर जी लेता हूँ तो मैं कभी कुरान की बुराई नहीं कर सकता हूँ। मैं कर्मण्यवादी का ऋषि महाफलेशु कदाचन अगर जी लेता हूँ तो मैं नहीं हो सकता हूँ गीता विरोधी। मित्रों वर्सेंटाइल लाइफ होनी चाहिए, नो डाउट। और यही मैं, क्योंकि समय का अभाव है, मैं मेरी वाणी को अब मैं स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलर जितने भी विद्यार्थी हैं, एक अंग्रेजी में एक शब्द है, एक थोड़ा पानी मंगवा दो, अंग्रेजी में एक शब्द है मेमोरी या मेमरी, जो भी उच्चारण वाइज कोई समस्या नहीं,